हरकोदा थाना क्षेत्र के गश्त के दौरान रात करीब 1:30 बजे सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक ने पुलिस जीप को टक्कर मार दी। हादसे में जीप संचालक संदीप गिर की मौत हो गई, जबकि दरोगा और 2 सिपाही घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती। सर, एक हरकोदा क्षेत्र के अंदर एक्सीडेंट हुआ, पुलिस की गाड़ी के अंदर टक्कर मारी, क्या पूरा मामला, क्या इस घटना में घायल हुआ? देखिए, गत राती मेरठ से हापुड़ हाईवे जो खरकौदा थाना क्षेत्र से निकलता है, उसमें जो यूजुअल पेट्रोलिंग हम लोग के द्वारा इंश्योर की जा रही है, उसी में रात लगभग 1:15 बजे से 1:30 बजे के बीच में ये थाना खरकौदा की फर्स्ट मोबाइल नाइट ऑफिसर राम रतन लौर और 3 कांस्टेबल्स के साथ, जिसमें संदीप, अमित और सचिन थे, उनके साथ में रात्रि गश्त कर रही थी। ये काफ़ी सेंसिटिव हाईवे है और इस पर कई घटनाएँ आदि होती रहती हैं, इसी कारण ये गश्त रोज़ इंश्योर की जाती है। इसी में एक ट्रक जो मेरठ से हापुड़ की तरफ जा रहा था, वो काफ़ी तीव्र गति से होने के कारण और हाईवे पर एक दिशा का कट कल सुबह ही बंद किया गया था और कोई दिशा संकेतक वगैरह भी नहीं लगे हुए थे, इस कारण से ट्रक द्वारा जो है थाने की मोबाइल में टक्कर मार दी गई, जिसमें कि जो कांस्टेबल संदीप गिरी हैं, जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उनका देहांत हो गया है और बाकी 3 लोगों को भी थोड़ी मोड़ी चोट आई है। जो थाना मोबाइल है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और उनका PM वगैरह कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें मुकदमा भी लिखा गया है, जो ट्रक है उसे भी पकड़ा गया है और आगे की जो कार्रवाई वो भी की जा रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा देवेंद्र कुमार गिरी। क्या हुआ एक्सीडेंट? ये नाइट में वो ड्यूटी पर थे, अपना एक्सीडेंट हो गया, कोई सिविल ट्रक वाले ने उनको मारा है एंड रात से ही यहाँ पर जो हम लोग घूम रहे हैं, उनका कोई डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं आया यहाँ पर और न ही हम पोस्टमार्टम के लिए वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई कहीं से पता नहीं चल रहा है। और ये खबरें हमने घर पे सब छुपा रखी हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में भी आ गया तो हम कब तक सर्व करें? जो तो हमारा गुजारिश है कि जल्दी जल्दी आ गए, यहाँ डॉक्टर आए, हमारे पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी को दें। हमारी जिस गाड़ी ने गाड़ी में टक्कर मारी, क्या वो गिरफ्तार हुआ है या ये एज पर न्यूज़ वो गिरफ्तार हुआ है? न्यूज़पेपर में जो मैंने पढ़ा है वो गिरफ्तार हुआ है। मेरठ विकास प्राधिकरण लगातार नई नई तकनीक से भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगा है, जिसके लिए मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा एक ऐप बनाया गया है, जिसमें आम जनमानस भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और ऐप के जरिए लाभ उठाकर भ्रष्टाचार से भी बच सकता है। वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण ECMS नाम की ऐप लॉन्चिंग मंडल आयुक्त अनीता मेश्राम द्वारा की गई है। हाँ, देखिए, इस पूरे MDA में की पूरी जो गवर्नेंस है, मैनेजमेंट है, उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए और जो भ्रष्टाचार की यदाकदा शिकायतें जो आती हैं उसको बेहतर नियंत्रण, उसको नियंत्रित करने के लिए और उसकी शिकायतें समाप्त करने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे MDA के द्वारा 3 चीज़ें आज यहाँ पे लॉन्च की गई हैं। एक तो मेनली जो अवैध निर्माण से रिलेटेड जितना भी केस मैनेजमेंट है, जितने भी अभियोजन के वाद हैं या MDA में जो भी केसेस चलते हैं, उसका पूरा ऑनलाइन हो गया है और उसी के साथ साथ जो प्रॉपर्टी जो अलॉटीज हैं उसमें वो कितना भुगतान कर रहे हैं, उनको कितना भुगतान बकाया है, उसका पूरा डिटेल वो निकाल सकते हैं और ऑनलाइन अपने घर से ही पेमेंट भी कर सकते हैं। और तीसरा, जो मेंटेनेंस का जो शुल्क लिया जाता है उसका भी यहाँ पे काफ़ी मिसमैनेजमेंट था, तो उसका भी हम लोगों ने पूरा ऑनलाइन कर दिया है। तो जो मेंटेनेंस शुल्क का भी विवरण जो अलॉटी हमारा, उसको पता रहेगा कि उसने मेंटेनेंस का पैसा कितना जमा करा, कितना नहीं करा। तो इससे आशा है कि पूरा एक ट्रांसपेरेंट वर्किंग होगी और जो हमारे कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं और जो आम पब्लिक है, उसको काफ़ी सहूलत मिलेगी और पूरी ट्रांसपेरेंट वर्किंग होगी और पूरा कस्टमर फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया जाए। उसका भी इसे प्रोविज़न किया गया है, इसमें जब वो सीलिंग जब करेंगे तो उस समय की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड की जाएगी इसमें, और अगर भविष्य में शिकायत आती है कि सीलिंग का निर्माण हो गया तो ओरिजिनल फ़ोटो यहाँ पे रिकॉर्ड में है। उसके बाद जो भी निर्माण अगर होता है, इट इज़ वेरी क्लियर कि अतिरिक्त निर्माण हुआ आफ्टर सीलिंग, तो उसमें हमें अभियोजन की जो भी कार्रवाई करनी है, FIR करनी है, वो हम लोग कार्रवाई उसमें कराएंगे। ऑनलाइन शिकायत का अलग से प्रोविजन है और हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये प्रयास करेंगे कि इससे उसको भी इंटीग्रेट हम लोग कर दें उसको। ललितपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लगभग 3 माह पहले हुई चोरी में 6 आरोपियों सहित माल बरामद कर खुलासा किया है। इनमें से 3 आरोपी फरार बताए गए हैं। बरामद किए गए सामान में 1 किलो 70 ग्राम सोना और 1 क्विंटल 25 किलो चांदी, जिसकी कुल बाजारों कीमत लगभग 80 लाख आंकी जा रही है। वहीं फरार आरोपियों के पास से कुछ और माल भी बरामद होने की संभावना है। पुलिस छानबीन में जुटी है। लोगों को सामने रख के पारदर्शिता के साथ सारी चीजें रिकवरी होनी है और पूरी चीजें सब सामने रख के एक सारा जो एक अनावरण है, जो पर्दाफाश किया गया है, बिल्कुल सत्यता और सच्चाई के आधार पे है। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें दबाव था कि जल्दी खोला जाए। कुछ लोगों के लिए नामजद की भी किए जा रही थी कि फलाने आदमी ने किया होगा, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था
वो भी अनावरण मेरे नेतृत्व में आज तक कभी भी किसी के दबाव में गलत नहीं किया गया है, इसको भी मैंने सही करना था, साफ सुथरा करना था, पारदर्शिता के साथ। थोड़ा टाइम लगा लेकिन सही एकदम पारदर्शिता के साथ ये चोरी हमारी अनावरण हुई है माल के साथ, और हम कभी भी किसी भी ऐसे तथ्यों से विचलित नहीं होने वाले हैं। पुलिस के कर्मी हमारे जो किसी भी विकृत मानसिकता अथवा किसी तुच्छ मानसिकता के जो टिप्पणियां होती हैं उससे विचलित हो जाए, हम अपना काम करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्पक्षता ईमानदारी निष्ठा के साथ करते हैं। समय जरूर लगा लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ ये सारी चीजें आपके सामने आकर निकल सकते रामदास भाजू कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय बापू कुशवाहा निवासी रंगगांव मड़ौरा, दूसरा रामकिशन पुत्र शिवलिंग कुशवाहा निवासी कुलारी नारहट, तीसरा सोहन पुत्र खुशलाल निवासी ढोगरा कला नारायण, चौथा देवेंद्र कुशवाहा पुत्र किशन लाल निवासी ग्राम रोवा। जो व्यक्ति लालच में पड़ के जिन्होंने चोरी के माल को खरीदने और बेचने का काम किया उनके नाम अनुपचंद जैन नजा पुत्र स्वर्गीय आनंदी लाल जैन निवासी कटरा बाजार ज्वेलर, उत्तम चंद जैन पुत्र स्वर्गीय पदम चंद्र जैन निवासी बावनगरी नगर कोतवाली गलित। इसके अलावा जो तीन लोग फरार हैं राजकुमार जैन जो इनके रिश्तेदार हैं और मायू जैन जो इन दोनों के रिश्तेदार हैं, रामदास जो बहनों ही है बहनों का वो अभी ये तीनों फरार हैं, इन दोनों की गिरफ्तार करें।